अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये है 5 अंक का। पहला क्वेश्चन है आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस। अब ब्लैंक भरना है हम मच और मैनी से, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल चीज़ लिखी है प्लेसेस, अगर प्लूरल लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। हम मच लगाते हैं किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ, और मैनी लगाते हैं हम काउंटेबल प्लूरल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा। दूसरा नंबर जो है द बॉय ब्लैंक द बर्ड, तो यहाँ पे कैचेस द बर्ड, कैच नहीं आएगा क्योंकि अगर ये प्लूरल होता, द बॉय प्लूरल होता तो कैच आ सकता था, लेकिन यह सिंगुलर है तो कैचेस आएगा, ये स्पेलिंग गलत लिखी है। तो सही ऑप्शन क्या है, कैचेस। ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये कहावत है, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यहाँ पे ये सही होगा। चौथा नंबर है आई थिंक इट मे रेन टूडे। पांचवा नंबर है देयर आर, और फिर प्रीशियस बुक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बुक्स लिखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सम आएगा, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। डिड यू बाय ब्लैंक सुगर फ्रॉम द शॉप, डिड यू बाय एनी सुगर फ्रॉम द शॉप। एनी हम यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव में और निगेटिव सेंटेंस में, सम यूज़ करेंगे हम अफर्मेटिव में। आठवां नंबर है आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम, तो यहाँ पे हम सही लगाएंगे ईदर ऑफ देम, नाइदर नहीं लगा सकते, नीदर नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से ही निगेटिव है। नौवां नंबर है यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पे शुड स्टॉप स्मोकिंग। मस्ट तब आता जब एकदम अनिवार्यता होती, शुड है हम सलाह दे रहे हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, मस्ट भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा सही है यहाँ पे शुड। आगे चलते हैं वी आर गोइंग ब्लैंक अ मैच टुडे, तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। आगे चलते हैं माई फ्रेंड ब्लैंक लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली, सो माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। बारहवा नंबर है वर्क हार्ड लेस्ट यू, अब यहाँ पे एक चीज लिखी है लेस्ट, तो जहाँ पे भी लेस्ट हो आगे कुछ आएगा ब्लैंक में, तो वो क्या क्या रहेगा, शुड रहेगा, सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तेरहवा नंबर है राम प्रिफर्स मिल्क, सो राम प्रिफर्स मिल्क टू टी, ठीक है, प्रिफर अगर हो तो वहाँ पे टू यूज करना। मिस्टर डेविड इज, अब यहाँ पे देखो बोल के देखो, यूरोपियन या यज्ञ मतलब व्यंजन, और अगर व्यंजन है तो ए, मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मच कब आता जब यहाँ पे अनकाउंटेबल लिखा होता, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएगा मैनी। फिर ब्लैंक रामायण इज अ सेक्रेड बुक, सो द रामायण इज अ सेक्रेड बुक। सत्रहवा नंबर है माय ग्रैंड मदर इज हार्ड, हार्ड के बाद जो आएगा वो है हमारा ऑफ, हार्ड ऑफ हियरिंग। अठारहवा नंबर है यहाँ पे दुआएं दी जा रही हैं, तो जब दुआएं देते हैं तो पहचान क्या है इसकी, यहाँ पे ये चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सो मे गॉड ब्लेस यू। 19वां नंबर है द बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन, ठीक है, हैज लगा है तो थर्ड फॉर्म फॉलन। 20वां नंबर है इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, अब यहाँ पे ब्लैंक चिल्ड्रन अमंग या बिटवीन, चूंकि ये चिल्ड्रन यानी दो से ज्यादा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अमंग। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा बोला जाए वैसा करो। पहला है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसने उसके भाई ने पूरा सोना बेच दिया। मेक क्वेश्चन विद हाउ मच, हाउ मच का यूज करके हमें क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आंसर देख लो क्या है कि उसने क्या बेच दिया, ऑल द गोल्ड जो ये हमारा आंसर है इसको हम छुपा के रखेंगे, ठीक है, ऑल द गोल्ड। अब जो सेंटेंस लिखा है हिज ब्रदर सोल्ड, ये जो चीज लिखी है ये है पास्ट इंडेफिनिट में, हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बना लेते हैं तो डिड हिज ब्रदर
सेल, ये बन गया डिड हिज ब्रदर सेल, डिड हिज ब्रदर सेल लिख लिया हमने। अब शुरू में लिख दो हाउ मच गोल्ड, हाउ मच गोल्ड। सो आंसर हमारा क्या होगा, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है आई नो द बॉय, चेंज द वॉइस, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो कैसे बनेगा, द बॉय इज नोन। अब जब नोन वर्ब रहेगी तो वहां पे हम यूज करेंगे टू, बाई यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, टू, द बॉय इज नोन टू मी, फुल स्टॉप। तीसरा नंबर है ही इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लास, ठीक है, तो क्या ही हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या ही लिख दिया हमने पहले सेंटेंस का, और लास्ट में उसी सेंटेंस का माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब बीच में जो चीज लिखी है, सेकेंड सेंटेंस लिखा है ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो जहां पे ही लिखा है वहां पे हमने हु लिख दिया, तो ही Who is wearing a red shirt is my brother. वह जिसने लाल कलर की शर्ट पहनी हुई है मेरा भाई है। चौथा नंबर है He is so weak that he cannot walk. Two का यूज करके हमें रीराइट करना है, तो जहाँ पे भी so लिखा है वहाँ पे two, और उसके बाद फिर जहाँ पे that लिखा है वहाँ पे फिर two, और उसके बाद फिर verb, कैसे लिखेंगे, ये बहुत ईजी है, सिंपल सा हमें क्या लिखना है, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा जो है वो दूध के लिए रोया, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। चेंज इंटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे, तो जहां पे cried लिखा है वहां पे हम लिख देंगे was crying, crying, ठीक है, the boy was crying, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वही रहेगा। छठवां नंबर है he gets salary, he starts spending it, combine using no sooner than, जब नो सूनर का यूज करते हैं तो पहले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो सूनर, उसके बाद फिर ये सेंटेंस पहला, इसे हम इंट्रोगेटिव करते हैं, ही गेट्स सैलरी, तो क्या हो जाएगा, डज ही गेट सैलरी, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या यूज करेंगे, एन, उसके बाद फिर सेकेंड सेंटेंस पूरा लिख देंगे, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ठीक है। नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, मतलब उसको सैलरी मिली नहीं कि वो खर्च करना शुरू कर देता है। सातवां नंबर है राजू राइट कैन ईदर विद, तो क्या होगा, राजू कैन राइट विद ईदर हैंड, राजू कैन राइट विद ईदर हैंड। आठवां नंबर है ही मेक्स टी, चेंज द वॉइस, फिर से देखो ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो क्या हो जाएगा, टी इज मेड बाई मी। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म मेक्ड लिख देते हैं,
MAET, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो टी इज मेड बाई मी। नौवां नंबर है, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग, री राइट यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, एज सून एज की जगह नो सूनर देन का यूज करना है। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो सूनर देन, नो सूनर लिख दिया। उसके बाद सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा है क्लोज्ड यानी सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल, तो डिड से शुरुआत होगी। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, देन, सेकेंड पूरा सेंटेंस लिख देना, द टेलीफोन रैंग, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग, उसने आंख बंद करी नहीं कि टेलीफोन बज उठा। आगे चलते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इसे हमें चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे बनेगा, जहां पे वर प्लेइंग लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, वर हटा दो और जो प्लेइंग लिखा है वो हटा दो, तो बन गया क्या, दे प्ले फुटबॉल, ये हमारा हो जाएगा दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, तो सिंपल सा बन गया। अब 11वां नंबर है, अ एप्पल एन डे द कीप्स डॉक्टर अवे, तो ये कहावत भी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो कैसे शुरुआत होगी, इस तरह से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। 12वां नंबर है, ही डज हिज ड्यूटी, नेगेटिव में बनाना है, प्रेजेंट सिंपल का है, नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। 13वां नंबर है, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच इट, चलो इसको सो दैट का यूज करके कंबाइन करना है, तो द फैन is so high that I cannot touch it. Fan इतना ऊंचा है कि मैं उसे छू नहीं सकता। 14वां है, if you do not work hard you will fail, unless हमें यूज करना है if की जगह, तो क्या हो जाएगा, Unless you work hard, you will fail. क्या करना है हमें, if के साथ एक negative sentence है यहाँ पे, तो जब unless हम use करेंगे तो उसके साथ एक positive sentence हो जाएगा, affirmative sentence हो जाएगा। तो negative क्या है, you do not work hard, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू वर्क हार्ड, यहां पे हमने यू के बाद वर्क नहीं लिखा, तो यू वर्क हार्ड, यू वर्क, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक फेल होगे। 15वां नंबर है, सीता डज नॉट सिंग, सीता शी डज नॉट डांस, ज्वाइन सेंटेंसेस यूजिंग नीदर नॉर, तो क्या हो जाएगा, सीता नीदर, तो नाइदर भी पढ़ते हैं कभी कभी, जैसा मर्जी है वैसा, नीदर या नाइदर जो भी मर्जी करे, सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। फिर है 16वां नंबर, मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, चेंज द वॉइस, चलो इसको नीचे बनाते हैं,
टीचर्स है यानी प्रेजेंट सिंपल तो क्या हो जाएगा, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। 17वां नंबर है शी कांट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार। तो 17वां नंबर का कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज तो हो जाएगा शी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार। चलो आगे चलते हैं। 18वां नंबर है दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस इन द वर्ब इन द ब्रैकेट ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ठीक है, सिंस लग गया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस यहाँ पे यूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वॉचिंग, अभी पूरा सेंटेंस, टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। 19वां नंबर है वी आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। 20 नंबर है वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे चेंज द वॉइस, चलो तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है अ वेरी गुड फिल्म, सो अ वेरी गुड फिल्म फिर क्या, सॉ है सेकेंड फॉर्म, चलो इसको सॉ तो यहां पे क्या आएगा, वॉज अ वेरी गुड फिल्म वॉज सीन यस्टरडे बाय अस, अ वेरी गुड फिल्म वॉज सीन यस्टरडे बाय अस। 21वां नंबर है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग सो दैट, चलो तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस।